देखिए क्लास टेंथ चैप्टर 3 अध्याय 3 का 3.5 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा है ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल की जो कंडीशन है वो यहाँ पे लगेगी, उसके आधार पे हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। हमें मालूम है हम किस तरह से, देखो ये ए वन बी वन सी वन, ये ए टू बी टू सी टू लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे माना, देखो ए वन बराबर 2 है, ए टू बराबर 3, ए वन बी वन और ये सी वन, सी वन बराबर 7, फिर ये बी ए वन बी वन सी वन, ठीक है। इसके बाद देखो ए टू, ए टू कितना है ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद बी टू कितना है ए प्लस बी, और फिर सी टू ये पूरा है 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे a1 वन अपॉन ए टू बराबर कितना 2 अपॉन a माइनस बी, ठीक है। b1 वन अपॉन बी टू 3 अपॉन ए प्लस बी, और c1 वन अपॉन सी टू अगर देखें तो वो हो जाएगा 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसके समीकरण के, क्योंकि लिखेंगे समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, समीकरण युग्म के देखिए अनेक हल हैं अपरिमित रूप से, तो क्या होगा, तो यहाँ पे कंडीशन आती है ए वन बटे ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू, ये कंडीशन तीनों बराबर होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, तीनों बराबर होते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू के लिए हमें ये दो पर्याप्त हैं, इन दोनों को हम ले लेते हैं, ठीक है, और हल करते हैं। तो देखो ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू 2 अपॉन ए माइनस बी हो जाएगी, इजकल टू बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू ही हो जाएगी 3 अपॉन ए प्लस बी। इसको ही हल कर लेते हैं, तो देखिए हल करते हैं, इसका इसमें इंटू होगा तो क्या होगा, 2 का a प्लस बी में इंटू होगा और बराबर 3 का इसमें होगा a माइनस बी। अब इंटू कर दो, देखो 2 का a में इंटू होगा तो क्या आएगा 2a प्लस 2 का b में इंटू होगा तो 2b इजकल टू 3 का a में इंटू 3a माइनस 3b, इनका गुणा कर दिया 2 का इसमें और 3 का इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए a इन दोनों को इधर ही ले आते हैं, तो 2a प्लस 2b माइनस के हो जाएगा 3a, और ये माइनस है ये प्लस का हो जाएगा 3b, इजकल टू उधर 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो a वाले अगर देखें तो 3a में से 2a अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 1a, इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 1a, 1 तो लिखेंगे नहीं a आएगा, माइनस के ये 3 ज़्यादा है इसीलिए माइनस का चिन्ह आ रहा है। और ये b में देखो 3b और 2b 5b हो गए, दोनों प्लस के हैं इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम इसको और इसको देखें, तो इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन जो आएगी तब उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको इसको देखते हैं इन दोनों को, ठीक है, ए वन अपॉन ए टू बराबर सी वन अपॉन सी टू को, ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू कितनी है आप लिखेंगे, आप तो यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन ए माइनस बी बराबर, अब इसको ले लेंगे सी वन अपॉन सी टू को इसके बराबर 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2,
तो अब इसका इंटू सेवन का इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 7a-7b, और 2 का इसमें करेंगे 2 का, तो 2 3 6a, प्लस 2 का भी में 2b, और 2 का 2 में 2 2 4। अब ये इन दोनों को इधर ले आओ, तो 7a-7b, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, प्लस के हैं, तो 6a-2b इजकल टू -4। अब देखो ए वाले ये हैं 7a और -6 है, 7a में से 6 गए तो एक ए बचा, एक लिखेंगे नहीं तो ए बचा, और दोनों माइनस के हैं, देखो 7 और 2 9, माइनस के 9b बराबर -4, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो देखो -a+5b=0 है, और ये a-9b=-4 है। तो देखो ये प्लस माइनस के वैसे ही कर रहे हैं, तो लिखेंगे हम जोड़ने पर, चिन्ह नहीं बदलेंगे, जोड़ने पर चिन्ह बदले नहीं जाते, घटाने पर लिखते हैं तब बदलते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये 9 देखो ज़्यादा है प्लस के 5 से, तो माइनस का ही चिन्ह आएगा, 9 में से 5 गए 4, 4b इजकल टू ये -4 यहाँ है, यहीं पहले से माइनस से माइनस काट दो, b=4/4 का भाग दे देंगे, 4 एकन 4, तो b का मान कितना आ गया, 1, ठीक है। तो b का मान जो आ गया है वो समीकरण 1 में या 2 में रख दो, तो a का मान भी आ जाएगा। पहले इतना आप लिख लीजिए क्योंकि अभी यहाँ जगह स्पेस नहीं है। अब a का मान और निकालना है हमको, थोड़ा यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए b=1 आ गया, b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 है -a+5b=0, तो -a+5, b का मान कितना है, 1, यहाँ पे आ जाएगा 1=0, तो -a+5 एकम 5 0, 5 को उधर पहुँचा दो, पक्षांतर कर दो, -a=-5 हो जाएंगे, प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, a=5, तो a=5 है और b=1, ये आंसर है, ठीक है ना। तो इसमें एक और है, अभी 2 सवाल दिए गए हैं दूसरे में, पहला वाला हुआ है अभी कंप्लीट, ठीक है।